हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली दो वर्ड से मिल के बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मीन्स आपस में जुड़े हुए। एंड नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो पूरा मतलब क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी आपस में जुड़े हुए नेटवर्क, यानी ऐसे नेटवर्क जिनको हम आपस में जोड़ दें तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नेटवर्क है ये, एक नेटवर्क है ये, ये कोई भी हो सकता है किसी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है किसी स्कूल का नेटवर्क हो सकता है किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क हो। ये मान लीजिए तीन नेटवर्क हैं। अब इन तीनों नेटवर्क को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, नेटवर्क का भी एक नेटवर्क बन गया। तो इसको ही हम कहते हैं इंटरनेट। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल क्यों होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं हम सबको जोड़ देते हैं आपस में और एक जाल बना देते हैं, इसीलिए इसको वेब भी बोलते हैं। वेब का मतलब होता है जाल। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा वेब, तो इसीलिए हम वेब इसको बोलते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क का एक जाल बन जाता है पूरा, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स होते हैं इसमें। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी एक नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्क्स का नेटवर्क। दैट इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। तो इसमें सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी स्कूल के हों, चाहे वो किसी बिजनेस के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे कोई प्राइवेट नेटवर्क क्यों ना हो, सारे नेटवर्क इसमें जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट से। लिंक्ड बाई कॉपर वायर्स, वायरलेस कनेक्शन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो हम कॉपर वायर के थ्रू भी उनको जोड़ते हैं, वायरलेस यानी बिना किसी वायर के वायरलेसली उनको भी जोड़ते हैं, और हम अदर टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, अगर हमको कोई प्रोग्राम यानी कोई ऐप डाउनलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, किसी को ईमेल करना है, किसी के साथ वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ वीडियो कॉल करते हैं तो उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ई कॉमर्स यानी हमको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। फाइल शेयरिंग, अगर अपने फ्रेंड के साथ कोई फाइल हमको शेयर करनी है, कोई इमेज, कोई PDF। इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग, अगर कोई हमको कुछ इस चीज़ में कोई डाउट है वो चीज़ हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग। सर्च द वेब एड्रेसेस फॉर एक्सेस थ्रू सर्च इंजन। तो हम सर्च इंजन का यूज़ करके बहुत सारे वेब एड्रेसेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है नीचे, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेसेस। नेक्स्ट है हमारा चैटिंग एंड मैनी मोर। तो हम चैटिंग भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और हम बहुत सारी और भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज़ इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब इस नेटवर्क को या इस पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको सिर्फ कंपनी के लोग, कंपनी के मेम्बर्स ही एक्सेस कर सकते हैं या जिनको एक्सेस दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके एम्प्लॉई हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो सिर्फ इतने लोग ही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो भी इंट्रानेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। बेसिकली इसमें हम यूज़ इंटरनेट का ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर देना, और कुछ हम सिक्योरिटी के लिए भी कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं इसमें, हम इसको सिक्योर बनाने के लिए। इंटरनल कंपनी नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट इन स्टैंडर्ड्स HTML, HTTP, TCP/IP प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम यूज़ क्या, ये एक इंटरनल कंपनी नेटवर्क होता है, यानी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क, यानी एक कंपनी के अंदर का नेटवर्क, और ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स का यूज़ करता है, जैसे HTML, HTTP, ये सब प्रोटोकॉल्स का, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का हम यूज़ करते हैं एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यूज़ इसमें इंटरनेट का ही होता है, बट उसको हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना एट्सेट्रा।
एक्सेस्ड ओनली बाई ऑथराइज्ड पर्सन्स, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं यानी जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है वही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली मेम्बर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग कौन होते हैं, या तो कंपनी के मेम्बर होंगे यानी किसी ना किसी तरह से कंपनी से जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों। तो अब हम देख लेते हैं फायरवॉल होती क्या है। फायरवॉल इंट्रानेट में यूज़ होती है ताकि इंट्रानेट जो भी बाहर के लोग हैं यानी अनऑथराइज्ड लोग हैं जिनके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है वो इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। इट इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस लोकेटेड बिटवीन फर्म्स इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। तो ये इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में हम क्या करते हैं, फायरवॉल को ऐड कर देते हैं। तो फायरवॉल को ऐड करने से क्या होता है कि जो भी अनऑथराइज यूज़र्स हैं वो फ़ौरन ही डिटेक्ट हो जाते हैं और वो कंपनी के डेटाबेस को डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। रेगुलेट्स एक्सेस इन टू एंड आउट ऑफ कंपनीज नेटवर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये क्या करता है, कुछ इसमें रूल्स सेट होते हैं तो उसके बेसिस पे क्या करता है, मतलब रेगुलेट करता है डेटा एक्सेस को, यानी कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो ये डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स। नीड्स टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक लेटेस्ट पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो हमें फायरवॉल को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है ताकि ये बहुत ही इफिशियंटली वर्क कर पाए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, शेयरिंग कंपनीज पॉलिसी एंड रूल्स। तो कंपनी के पॉलिसीज रूल्स या रेगुलेशंस को जब हमें एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना होता है, मान लीजिए कोई नया रूल बना या टाइमिंग कुछ हमने चेंज कर दी, पहले 10 थी अब 9 हो गई, तो ये सब रूल्स हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँचा सकते हैं। एक्सेस एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय के डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कितनी उसने छुट्टियाँ ली हैं या कितनी उसकी सैलरी है या कब उसने ज्वाइन किया, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर्स ऑफिस ऑर्डर्स, तो कोई भी नोटिफिकेशन देना है सारे एम्प्लॉयज़ को तो हम इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे पे हॉलीडे है तो हम इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं। एक्सेस प्रोडक्ट एंड कस्टमर डेटा, तो प्रोडक्ट का डेटा या कस्टमर का डेटा हमें एक्सेस करना है वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पे सारा डेटा अवेलेबल होता है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो सबके लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको हम इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर का कोई यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लॉन्चिंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंटल होम पेजेस, तो इसमें हम पर्सनल या डिपार्टमेंटल होम पेजेस को इस पर लॉन्च कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है मान लीजिए आप घर पे हैं या कोई एम्प्लॉय बीमार है तो वो इंटरनेट के थ्रू घर से ही रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है, उसको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉरपोरेट टेलीफोन डायरेक्ट्रीज, तो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की जो टेलीफोन डायरेक्ट्रीज होती हैं वो भी इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। अब देखते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, अब जैसे हमने अभी इंटरनेट को देखा तो वो हमने देखा कंपनी के अंदर का नेटवर्क होता है, सिर्फ अंदर के लोग जुड़े होते हैं। इंटरनेट में हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी जोड़ लेते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स हो गए या इसमें हम कस्टमर्स को भी अपने जोड़ लेते हैं। तो जब कस्टमर को सप्लायर्स को या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हमने जोड़ लिया तो इन बाहरी लोगों को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज एन इंट्रानेट फॉर आउटसाइड ऑथराइज्ड यूजर्स यूजिंग सेम इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो एक्स्ट्रानेट क्या है, एक इंट्रानेट ही है बट इसमें हम क्या करते हैं, आउटसाइड के लोगों को भी जोड़ लेते हैं, तभी इसका नाम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रानेट। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू जुड़े होते हैं ताकि वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सके। हो सकता है वो पार्टनर हो, मान लीजिए मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम दोनों पार्टनर हैं तो हम एक्स्ट्रानेट के थ्रू जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। इनेबल आउटसाइडर्स टू वर्क टुगेदर विद कंपनीज एम्प्लॉयज़, तो इससे क्या होता है, जो भी कंपनी के बाहर के लोग हैं वो हमारे कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर सकते हैं। ओपन टू सिलेक्टेड सप्लायर्स कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं, कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, या हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं दूसरे उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू एक्सेस प्रोडक्ट फाइल्स एज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पिक्चर्स इमेज टू आंसर द क्वेरीज ऑफ कस्टमर।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शाओमी कंपनी है, तो शाओमी के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में भी हो सकता है शाओमी का कोई सेंटर हो, तो जब आप वहाँ पे मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। हो सकता है डिटेल उनके पास अवेलेबल ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नेट का यूज़ करके जो कंपनी का डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं तो कंपनी से ही जुड़े, कंपनी के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, तो वो कंपनी का डेटाबेस एक्सेस करके वहाँ पे उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट एक्स्ट्रा नेट में मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।